सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। उन्नाव उत्तर प्रदेश में भाजपा का ये विधायक बेटी को घर बुलाता है, नौकरी का वायदा करता है, नौकरी नहीं देता, हर रोज बलात्कार करता रहा उस बेटी के साथ। ताली बजाने वाली बात नहीं है, शर्म से तू मरने की बात है, धिक्कार है, थूकते हैं इनके मुंह पर। जो नारा तो बेटी बचाओ का देते हैं, लेकिन अपने ही नेताओं से हमारी बेटियों का बलात्कार करते हैं और उन्हें बचाते हैं अपने नेताओं को। लानत है इनके ऊपर। महिला हूं, बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं हाथ खड़ा करके आपसे पूछना चाहूंगी, जिसके घर में बेटी है वो हाथ खड़ा करे, जिनके घर में बेटी है, नहीं है भाई साहब बेटियां, है ना बेटी, तो शर्मा के रहे हो। बेटा होता है तो गर्व से हाथ खड़ा करते हैं, बेटी होती है तो क्यों पिता का सर गर्व से ऊंचा नहीं होता कि हाँ मेरी बेटी है। उस पिता से पूछना चाहूंगी, क्या चिंता होती है अपनी बेटी की या नहीं होती है? ये मैं नहीं कह रही, भारत सरकार के सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है। कंप्यूटर मोबाइल जियो का सबके हाथ में है, खोलकर देखिएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार का गृह मंत्रालय बता रहा है, पिछले सिर्फ 5 सालों की मैं अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ की 19,000 बेटियां लापता हैं। 19,000 बेटियां, कहां है वो बेटियां, कौन ले गया उन्हें, कहां बेच डाला? क्यों चिंता नहीं है छत्तीसगढ़ के जो है हमारे कर्ता धर्ताओं को कि 19,000 बेटियां लापता हो गई, कहां है, किस हाल में है, कौन पूछेगा? हर रोज कितना आंकड़ा है, हर रोज खाली छत्तीसगढ़ में, हर रोज भारत सरकार का आंकड़ा बता रहा है केवल छत्तीसगढ़ में हर रोज। उस पिता से पूछना चाहूंगी, चिंता होती है नहीं होती, जब ये आंकड़े बताते हैं कि पुलिस थानों में हर रोज 14 हमारी बेटियों के साथ जघन्य अपराध और बलात्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं, वो भी तब उस सरकार के तहत जो सरकार देश और छत्तीसगढ़ में बैठ के बेटी बचाओ का नारा देती है, ये उस सरकार की नाक के नीचे ये हो रहा है। बहुत से मामले तो बताते हैं गरीब के दर्द नहीं होते, अपराध करने वाला ताकतवर है, बड़ा नेता है, रसूख वाला है, अपनी पहुंच रखता है, इसलिए गरीब के बाप के बेटी की मामला दर्ज नहीं होता, आवाज दबा दी जाती है, डराया धमकाया जाता है। सबूत रखूंगी, डरती नहीं हूं, पूरी यात्रा निकाली, बहुत लोगों ने हाथ उठाकर अभिनंदन किया, बहुत लोगों ने हाथ इसलिए नहीं उठा के अभिनंदन किया, जिस नेता का पोस्टर लगा है अगर उसने या उसके किसी आदमी ने देख लिया कि आम आदमी पार्टी के नेता का अभिनंदन किया था, तो रात को घर में कोई पहुंच जाएगा धमकाने के लिए। लेकिन आंखें बता रही थी, आंखें स्वागत कर रही थी, आंखें आम आदमी पार्टी की इस पहल का स्वागत कर रही थी कि किसी ने तो हिम्मत दिखाई इन भ्रष्टाचारियों से लड़ने की, किसी ने तो हिम्मत दिखाई। बेनकाब करूंगी, डंके की चोट पर करूंगी, रिकॉर्डिंग हो सके तो कर लीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा उनके लिए जिन्हें बेनकाब कर रही हूं यहां पर। डरती नहीं हूं, करी नहीं जा रही हूं, 1 तारीख को छत्तीसगढ़ आई हूं, 10 अक्टूबर तक यही पर यही के गांव और कस्बों में जाकर थाप चालूंगी, रेत एक को भाजपा की हकीकत बताकर जाऊंगी। पूछना चाहती हूं, जानते हैं ना उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? इन्हीं भाजपाइयों की सरकार है जिनकी छत्तीसगढ़ में सरकार है, आज से नहीं 15 सालों से सरकार है, और कहते हैं एक मौका और दे दीजिए, जिसने 15 सालों में नहीं किया वो एक मौका और मांगते हैं, कुछ करने के लिए नहीं, थोड़ा जेब खाली रह गया उसे भी भरने के लिए। ये बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, बेनकाब कर रही हूं, माता बहनें बैठी हुई हैं, पिता भी बैठा हो, दिल धड़कता हो बेटी के लिए कि आंखों से दूर करते हैं तो चिंता होती है कि बेटी सुरक्षित तो रहेगी, कोई गलत तो नहीं हो जाएगा। ये जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं, इनका एक विधायक
नौकरी दूंगा घर आ जा। उन्नाव उत्तर प्रदेश में भाजपा का ये विधायक बेटी को घर बुलाता है, नौकरी का वायदा करता है, नौकरी नहीं देता, हर रोज बलात्कार करता रहा उस बेटी के साथ। ताली बजाने वाली बात नहीं है, शर्म से तू मरने की बात है, धिक्कार है, थूकते हैं इनके मुंह पर। जो नारा तो बेटी बचाओ का देते हैं, लेकिन अपने ही नेताओं से हमारी बेटियों का बलात्कार कराते हैं और उन्हें बचाते हैं अपने नेताओं को। लानत है इनके ऊपर। नाम ले रही है, विधानसभा बता रही है। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का विधायक उन्नाव से है, बेटी का बलात्कार किया, पढ़ी लिखी बेटी थी, नौकरी मिल जाती, नहीं दी नौकरी, बलात्कार करता रहा, बेटी से रहा नहीं गया, पिता को घर जाकर बताया कि मैं नहीं जाऊंगी, नौकरी नहीं मिलेगी, वो भाजपा का विधायक मुझे रोज नोचता है। पिता था, रहा नहीं गया, खून खोल गया, आत्मा हिल गई, बेटी का हाथ पकड़ा, बोला न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। उस भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश और देश में है जिसका नेता बेटी बचाओ का नारा देता है, न्याय मिलेगा। बेटी का हाथ पकड़ा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पर वो पिता बेटी को लेकर पहुंचता है। होता क्या है पूछना चाहूंगी, आप उसकी जगह मुख्यमंत्री होते क्या करते? बेटी के सर पर हाथ रखते, पिता के कंधे पर हाथ रखते, मुख्यमंत्री आवास में ले जाते, पूरा यकीन दिलाते कि बख्शा नहीं जाएगा जिसने बेटी के साथ ये किया है, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, सजा दिलवाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? होता ये है कि विधायक भाजपा का था, केंद्र में उसकी सरकार, राज्य में उसकी सरकार, बहुत बड़ा नेता है, बड़ा नेता बचाएगा, अपनी इज्जत के लिए बचाएगा। क्या किया योगी आदित्यनाथ ने? पुलिस को बुलाया, पिता बेटी को उठवाया, रात भर उस पिता को थाने में रखा। इतना ही नहीं, रात भर उस पिता की इतनी पिटाई की कि सुबह उस पिता ने दम तोड़ दिया, बेटी पीछे छोड़ गया, इस उम्मीद में कि इस देश के लोगों का, सत्ता में बैठे सत्ता के दलालों का, जो हमारी बेटियों के शरीर का सौदा कर रहे हैं, कभी तो इनकी रूह कांपेगी, कभी तो ये आग एक घर से दूसरे घर में पहुंचने का डर होगा, कभी तो आवाज उठेगी। वो पिता नहीं रहा, किसी ने वीडियो बनाया बेटी का, उसका संदेश व्हाट्सएप पे वायरल करने को कहा, हम सब तक आवाज पहुंची, मीडिया तक मैसेज पहुंचा, सबने आवाज बुलंद की, सबने पूरा आंदोलन किया, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ, उन्हें भी लानत मिलनी जब शुरू हुई, तो आज खुशी हो रही है, गर्व से कहती हूं, एक साल लगा लेकिन आज हम सबकी जीत है कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है, जिसे एक साल से बचाने की कोशिश कर रहे थे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।